नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। टनल में हादसा, बस टेम्पो व बाइक की टक्कर में दो घायल। चंडीगढ़ मनाली फोरलेन पर वीरवार दोपहर लगभग 2 बजे ओट टनल के अंदर HRTC बस टेम्पो और बाइक में टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों घायलों को सिविल अस्पताल लगवाई ले जाएगा, जहां से उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर किया गया है। इसके अलावा बस में बैठी एक सवारी को हल्की चोट लगी थी, जिसको सिविल अस्पताल लगवाई से उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक कुल्लू डिपो देवेंद्र कुमार नारंग ने बताया कि HRTC कुल्लू डिपो की बस आने से कुल्लू की ओर जा रही थी और जब टनल के अंदर पहुंची तो बाइक सवार टेम्पो और बस में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार घायल हो गए हैं। हादसे में बस में 41 सवारियां थी जो कि सुरक्षित है, वहीं बाइक व टेम्पो क्षतिग्रस्त हुए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने NTT शिक्षक को विशेष JBT प्रमाण पत्र देने के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने NTT शिक्षक की 5 वर्ष की सेवा के बाद विशेष JBT प्रमाण पत्र देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने याचिकाकर्ता को नियमित करने और सेवा लाभ देने के आदेश दिए हैं। करुणा देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने ये आदेश दिए। याचिका में दलील दी थी कि सरकार ने 1997 में JBT अध्यापकों के बजाय NTT अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिए योजना लाई थी। इसके अनुसार NTT अध्यापकों को 10 साल की सेवाओं के बाद विशेष JBT प्रमाण पत्र जारी किया जाना था। अर्की में युवक पर तेज धार हथियार से हमला, पुलिस से जांच में जुटी। अर्की में एक युवक पर उसी के ही घर में तेज धार हथियार से हमला होने से सनसनी फैल गई है। युवक जैसे ही ट्यूशन पढ़कर अपने घर पहुंचा तो पहले ही से उसके घर में इंतजार कर रहे आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में उसे गंभीर चोटें आई हैं। नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 की ये घटना बताई जा रही है। आरोपी व पीड़ित दोनों आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर हमले के का पता लगाने में जुट गई है। पुलिस के प्रारंभिक जांच में अभी बड़ा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। SP सोलन गौरव सिंह ने बताया कि अर्की में एक युवक पर उसी के घर में तेज धार हथियार से हमला हुआ है। आरोपित व पीड़ित दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। मंडी सांबल में अब नहीं तलाशे जाएंगे मलबे में दबे लोग, प्रशासन ने बंद किया सर्च ऑपरेशन। पंडोह के साथ लगते सांबल गांव में बीते एक महीने से चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मलबे में दबे लोगों को तलाशने के लिए प्रशासन द्वारा एक महीने से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलने के बाद अब परिजनों की सहमति से जिला प्रशासन ने इसे बंद कर दिया है। 14 अगस्त के दिन नितेश पर बरपा था कुदरत का कहर। बता दें कि सांबल गांव में बीती 14 अगस्त की सुबह नाले में आई भयंकर बाढ़ के कारण नितेश का घर पूरी तरह से मलबे में दब गया था। इस हादसे में नितेश की 18 वर्षीय पत्नी मोनिका, 17 वर्षीय बहन रविता और 6 माह की दूध मुही सानिया मलबे में दब गई थी। इसके अलावा 45 वर्षीय माता रचना देवी और 11 वर्षीय एक अन्य बहन गोपी मलबे की चपेट में आने से घायल हो गई थी, जबकि नितेश और उसकी एक अन्य 15 वर्षीय बहन जानवी खुद को बचाने में कामयाब हो सके थे। नितेश की मां की टांग में गंभीर चोट लगी थी और इन्फेक्शन के कारण अभी तक उनका 3 बार ऑपरेशन हो चुका है।